अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको कोई काम नहीं है, आप फिर आ गए? अरे इफ्रा मेरी बात सुनो, इफ्रा मेरी बात सुनो। देखो तुम्हें यह बताने आया हूं कि ये घर तुम लोगों का है और किसी का नहीं, और जो भी फैसले होंगे उसका इख्तियार इस घर के मकीनों का है और किसी का नहीं। देखो जैसा तुम चाहोगी, जैसा सम्राबाजी चाहेंगी वैसा ही होगा, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता तुम्हें, और ये मेरा वादा है तुमसे। जी जी चाय तो पिला दो और सम्राबाजी को बुला दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कब आए? बस अभी कुछ ही देर हुई है। इफ्रा को देखें आप सर, कब से आया हुआ हूँ, चाय का नहीं मुझसे पूछा। इनके घर में तैमी ने चाय पर पैन लगा दिया क्या, जो वहां पर हमारे घर आ जाते हैं चाय पीने? इफ्रा ऐसे बात नहीं करते, जाओ जवाद के लिए चाय बना खिलाओ। अच्छी सी बनाना प्लीज। प्लीज बैठे, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। सम्राबाजी ये आपकी जिंदगी है और इसके हर फैसले का इख्तियार आपके पास है और होना भी चाहिए। राशिद भाई से अगर आप शादी नहीं करना चाहती तो आप साफ इनकार कर सकती हैं। इस घर से आपको कोई नहीं निकाल सकता क्योंकि यह चाचा जान फयाज का घर है, और इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। बस कह दिया आपको जो कहना था। जी अच्छा, देखिए जवाब, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारे बारे में सोचा, हमारी तकलीफ को महसूस किया। पर क्या है, ये पाकिस्तान है, कनाडा नहीं है, इसलिए यहाँ पे ना शादी से एक हफ्ता पहले लड़कियां अपने माँ बाप को इनकार नहीं करती, बल्कि उनकी इज्जत व वकार के लिए वो जो बात कहे उसे चुपचाप पूरी ईमानदारी के साथ निभाती है, और मैं भी निभाऊंगी। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि कोई आपके साथ जबरदस्ती करे? हाँ, लेकिन मुझसे किसी ने जबरदस्ती नहीं की, मैंने अपनी मर्जी से इस रिश्ते के लिए हाँ किया। लेकिन मैं जानता हूँ कि आपने किन हालात में और किस वजह से हाँ की। हालात कैसे थे? बिल्कुल सही थे, मैंने अपने पूरे होशो हवास में अपनी मर्जी से इस रिश्ते के लिए हाँ किया, और अब मैं आपको निभा के दिखाऊंगी। सम्राबाजी, बस मुझे यही कहना था, इफ्रा को भेज रही हूं, आप प्लीज चाय पी के जाइएगा। बेजुबान ये बातें मेरी ख्वाहिश है बुनती, दर्द की दुहाई सारी इश्क की सजा थी, किस्मत है मुझसे क्यों खफा सी, है मंजिले भी बेवफा सी। दिला दिया यकीन? क्या जवाब है? जबरदस्ती के रिश्तों का क्या जवाब हो सकता है जवाद? मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, मगर जबरदस्ती तो हो गई, हर फैसले का इख्तियार भी हमसे छीन लिया, मगर हम खामोश रहे। लेकिन किसी लड़की के ख्वाबों को इस तरह नोचा जाएगा, मुझे इसका पता नहीं था। सॉरी लेकिन समझा नहीं। ये जाकर आप ताई अम्मी से पूछें,
जिन्होंने बरी के नाम पे खैरात भेजे मेरी बहन की, वो कोई यतीम मिसकीन तो नहीं है? और फिर रिश्ता भी आपके घर वालों ने ही तय किया। राशिद भाई से शादी के बाद उनके साथ क्या सलूक होगा ये तो मैं देख सकती हूँ, तसव्वुर कर सकती हूँ, लेकिन उनकी जिंदगी में शामिल होने से पहले उस घर में मेरी बहन के साथ क्या होगा ये मुझे साफ नजर आ रहा है। जरा मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, उस घर में मैं उनका देवर नहीं होगा, उनके भाई होगा जो उनकी हिफाजत करेगा। तो प्लीज तुम इस बारे में फिक्र करना छोड़ दो।